साथियों, देश में चार चरणों के मतदान के बाद सारे महामिलावटी दलों के झूठे दावों की पोल खुल गई है। वंशवाद और भ्रष्टाचार की काली कमाई से इन लोगों में जो अहंकार पैदा हुआ है, उसे बिहार के लोगों ने ठीक करने की ठान ली है। इसलिए ये हारे हुए लोग अब इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। इन लोगों ने पहले सिर्फ मोदी को गाली दी, दिन रात सारी गालियां मोदी पर पड़ती थी और ये महामिलावटी सुबह डिक्शनरी लेकर के बैठ जाते थे और रोज नई नई खाली खोजते थे, नई गाली बनाते थे और एक ही काम, सुबह शाम मोदी के नाम रोज नई गाली। ऐसा होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? अब चार चरण चुनाव के बाद उनकी जो बंदूक है ना, इसकी नोक ऐसे बदली है। उसके बाद उन्होंने आधी गाली मोदी को दी और आधी गाली ईवीएम को दी। अब वो सुबह शाम थोड़ी गाली मोदी को देते हैं, थोड़ी गाली ईवीएम को देते हैं। लेकिन पिछले तीन दिन से इनकी हालत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि अब संतुलन गंवा चुके हैं। तो पहले मोदी को गाली दी, फिर आधा हिस्सा ईवीएम की तरफ गया और अब चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया है। साथियों, ये है कुछ नहीं उनकी हार का रेडीमेड बहाना। ये बहाना ढूंढ रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा के लिए जाता है और पेपर खराब निकलता है, जवाब खराब देता है, तो स्कूल से घर आते समय रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा को क्या बताऊंगा, तो आके कहता है बेंच ठीक नहीं थी, आवाज आती थी, पेन खराब हो गई थी, टीचर बार बार मुझे परेशान करते थे, मेरे बगल में जो बैठा था वो चोरी करता था और शाम मुझे डांटते थे, इसलिए पेपर ठीक नहीं गया। ऐसा करते हैं कि नहीं? कुछ बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं? पेपर खराब गया और बहाना बताते हैं पेन ठीक नहीं थी, ये महामिलावटियों का खेल खत्म हो गया है और इसलिए ईवीएम का बहाना निकालता है। ये उस तरह के लोग हैं जो क्रिकेट में खुद बोल्ड होने पर एम्पायर को दोषी ठहराते हैं। उन पर हार का डर साफ दिख रहा है। अपनी हार के लिए जमीन तैयार करने का उनका यह तरीका है।